हे गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है फुल स्वाइप स्पीडोमीटर के ऊपर। सो गाइस, आप देख सकते हो जैसे मैं चाबी को ऑन करता हूँ, ये जो स्पीडोमीटर की गेज है एक बार फुल स्वाइप ऐसे मारती है। तो इस तरह का स्पीडोमीटर आपने नहीं देखा होगा क्योंकि स्प्लेंडर प्लस में ऐसा स्पीडोमीटर नहीं आता है। तो इस तरह का स्पीडोमीटर जो है हम खुद जो है घर पे बनाने वाले हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो एक मैंने जो है ब्रांड न्यू एक स्पीडोमीटर लिया है जो कि स्प्लेंडर प्लस बाइक का है। ये ओल्ड मॉडल का है, आप चाहो तो जो नया वाला मीटर आता है BS6 का, आप उसको भी जो है यूज कर सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो एकदम फ्रेश पीस है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो ये मेरे हाथ में जो है एक अलग से ये स्पीडोमीटर आपको दिख रहा होगा, इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये गाइस कुछ इस तरह से चलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो है ओडोमीटर की रीडिंग आती है और यहाँ पे जो है नीचे फ्यूल गेज है। सो हम इनको यूज में अभी फिलहाल के लिए नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से गाइज हम मैं क्या करूँगा, इसकी जो मशीन है उसको मैं जो है रिप्लेस करूँगा इस नए वाले मीटर से। तो भाई इसके ऊपर मैंने जो है एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक आपको जो है आई बटन में दे दूंगा स्पीडोमीटर के बारे में। टोटल जो है आपको वहाँ पे जो है जानकारी मिल जाएगी, तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा। तो चलिए गाइज, अभी इसको जो है मैं इसके अंदर लगाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले ये जो स्पीडोमीटर है इसको जो है डिसेंबल करना पड़ेगा। सो चार स्क्रू इसके बाहर लगे रहते हैं और एक स्क्रू जो है ये बीच में रहता है फ्रंट वाले केस को अटैच किए हुए। तो इसको मैं पहले खोल लेता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह से ये खुल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे दो स्क्रू है नीचे वाले, तो इसको खोलोगे तो इसकी जो मशीन है जो स्पीडोमीटर वाली वो बाहर आ जाएगी। तो गैस कुछ इस तरह से जो है इसकी मशीन बाहर आ चुकी है, आप देख सकते हो। अभी गैस ये जो मशीन है इसका जो ये डायल और इसका जो ये गेज है ये येलो वाला, इसको मैं यूज़ करूँगा ये वाले स्पीडोमीटर में। सो गैस ये पूरा काम जो है DIY है और इसके बाद जो है हम इसको जो है फिट कर देंगे वापस इसकी मशीन की जगह पे। तो ये पूरा गैस काम जो है आपको तसल्ली से करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप जो है थोड़ा टाइम निकाल लीजिएगा। तो चलिए इसको मैं फ़िट करके देन उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो गाइज़, आप देख सकते हो अभी मैंने इसको जो है फिट कर दिया है। अभी जस्ट मैं इसकी जो है वायरिंग को अटैच करता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव की। सो आप देख सकते हो गाइज ये अभी जो है कुछ इस तरह से जो है ये स्वाइप अभी जो है करती है इसकी जो गेज है। तो इस तरह से गाइज आप भी जो है ऐसा स्पीडोमीटर बना सकते हो। तो अभी जो है इसको बाइक में फिट करते हैं, देन उसके बाद मैं जो है इसको आपको चला के भी दिखाता हूँ। उससे पहले गाइज मैं आपको जो है इसके कुछ शॉर्ट्स दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस, अभी मैंने जो है इसको फिट कर दिया, आप देख सकते हो इस तरह से ये फुल स्वाइप करता है। और गाइस इसकी जो ये गेज है काफ़ी स्मूथली जो है काम करती है, मतलब ऊपर भी स्मूथली चढ़ती है और नीचे भी स्मूथली आती है। सो ऐसा नहीं है जैसे वो स्पीडोमीटर जैसे आपका स्टॉक वाला होता है उसमें जो क्या होता है इसकी गेज जो है वो थोड़ा ऐसे वाइब्रेट करके चढ़ती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। सो आप देख सकते हो गाइस काफ़ी स्मूथली ये जो है इसकी ये जो गेज है वो काम करती है। सो इस तरह से गाइस आप भी अपनी बाइक में जो है इस तरह का स्वाइप वाला जो स्पीडोमीटर है वो लगा सकते हो, चाहे आपकी बाइक कोई भी हो। सो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।